हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप देख रहे हो मेरी चैनल दीप्तनु शील को। तो आज के इस वीडियो पे मैं बात करूंगा कि फेसबुक पेज को बिना शेयर किए या फिर फेसबुक पेज के कोई भी कंटेंट को बिना शेयर किए आप लोग कैसे आपके फेसबुक पेज के कंटेंट को लोगों के आई बॉल तक लेके जाओगे, लोगों के पास तक लेके जाओगे और आपके जो पेज है उसको ग्रो करोगे, आपके पेज के जो वीडियो है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लाओगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को जल्द से कर देना एक लाइक। अगर कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर लेना। अगर आप एक क्रिएटर हो तो वीडियो को पूरा देखना तो ही आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। बहुत दिनों से इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहा है कि सर आपने बताया है कि हम हमारे जो फेसबुक पेज के कंटेंट है उसको कहीं भी फेसबुक एनवायरमेंट पे शेयर नहीं कर सकते, जैसे कि हम कोई भी दूसरे पेज पे हमारे पेज का कंटेंट शेयर नहीं कर सकते, कोई भी दूसरा ग्रुप पे हम लोग हमारे कंटेंट को शेयर नहीं कर सकते, कोई भी प्रोफाइल पे हम लोग हमारे पेज के कंटेंट को शेयर नहीं कर सकते। इवन आपने तो ये भी बोल दिया है कि आप आपके मैसेंजर बॉक्स पे भी आपके पेज का जो लिंक है उसको शेयर नहीं कर सकते। तो हम करें तो क्या करें, बिना शेयर किए पेज पे जो भी वीडियोस है जो भी कंटेंट है उस पर व्यू नहीं आता, उस पर ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं आता और हमारा जो पेज फॉलोअर है वो भी गेन नहीं होता, उल्टा पेज लाइक कम होते जा रहा है, फॉलो भी कम होते जा रहा है और एंगेजमेंट भी कम होते जा रहा है। तो इसका क्या सलूशन है आप बताओ, क्योंकि हम अगर हमारे पेज के कोई भी कंटेंट को शेयर करते हैं तो इन ऑथेंटिक एंगेजमेंट पेज पे आ जाता है, जिसके वजह से मोनेटाइजेशन एरिया पे रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, येलो कलर का जो मार्क है वो आ जाता है क्रॉस के साथ, उसी के साथ जो पॉलिसी है उसको ज्यादा वायोलेशन करने पे रेस्ट्रिक्टेड आ जाते हैं और रेड क्रॉस भी आ जा रहा है। तो हम ऐसे में करें तो क्या करें, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप एक क्रिएटर हो तो इस वीडियो को समझिए और समझ के काम कीजिए, जरूर आपका जो पेज है वो बिना शेयर किए फेसबुक एनवायरनमेंट पे ग्रो होगा, पेज पे व्यू भी आएगा वीडियो पे, उसी के साथ पेज का ग्रोथ भी ज्यादा से ज्यादा होगा आने वाले 2020 में, ये मेरा पूरा विश्वास है। सिर्फ जो 5 पॉइंट आज बताऊंगा इस पे आपको काम करते रहना है और यहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक दिन काम किया, दो दिन काम किया, तीन दिन काम किया और फिर थक के छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम होगा कंसिस्टेंट बेसिस पे, रेगुलर लगातार। तो आने वाले 2020 पे लगातार आपको ये 5 तरीका फॉलो करते रहना है, जिससे धीरे 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 आपका पेज का जो ग्रोथ है ऑर्गेनिकली ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। सबसे पहला पॉइंट, फेसबुक वीडियो का SEO। हाँ दोस्तों, वीडियो नहीं, अगर टेक्स्ट भी डालते हो तो भी SEO होना चाहिए, अगर इमेज भी डालते हो तो भी SEO होना चाहिए। तो फेसबुक के हर एक पोस्ट का वीडियो का SEO होना बहुत ज़रूरी है। तो SEO कैसे किया जाता है, तो वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल, वीडियो के रॉ फाइल, इन 4 चीज़ों को आपको SEO करना है, उसके बाद ही वीडियो को आपको फेसबुक पेज पे अपलोड करना है। और एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप क्रिएटर स्टूडियो को ऑन करके ही वीडियो को डाला कीजिए, खुद के वीडियो पे खुद क्लिक करके ओपन मत किया कीजिए, ये एक गुड प्रैक्टिस है। अगर मैं जो ये 1st पॉइंट आपको बता रहा हूँ ये अगर आपने लगातार रेगुलर किया तो आप आपके पेज का ग्रोथ ऑर्गेनिक वे में बिना शेयर किए आपके वीडियोस पे लोग आएगा, लोग सर्च करके भी आ रहा है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट खुद के जो पेज है उस पर किया है, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप करते रहो। अगर कोई भी दोस्त को फेसबुक पेज के कंटेंट को कैसे SEO किया जाता है ये नहीं आता है तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे ही चैनल पे है, आप जाके ढूंढ के उस वीडियो को देखिए तो आपको पूरा मालूम चलेगा और प्रैक्टिकली कैसे करना होता है वो भी मैंने दिखाया है। ये 1st पॉइंट है, अगर इंप्लीमेंट करोगे तो खुद ही खुद आपके जो पेज है उसके वीडियो पे व्यू आएगा और चैनल का फॉलोअर भी धीरे धीरे गेन होता जाएगा और लाइक भी उसी के साथ आएगा। ये 1st पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है एक्टिव ऑन अदर सोशल प्लेटफॉर्म। हाँ दोस्तों, आप लोगों को 2020 में अगर आपके फेसबुक पेज का ग्रोथ करना है, फेसबुक पेज के वीडियोस पे, पोस्ट पे ज़्यादा रीच लाना है तो आपको एक बात का ध्यान रखना ही रखना है, आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो जाना है, हर एक
मतलब कि जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपको एक एक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे दूसरे जो अकाउंट है उस पर भी आपका एंगेजमेंट होना है, उस पर भी आप फॉलोअर ज़्यादा कीजिए। और उसके बाद जैसे कि यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, क्वेरा हो गया, ब्लॉग भी हो गया। जो लोग ब्लॉग लिखते हैं वो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस है फेसबुक पेज के जो कंटेंट है उसको ग्रो कराने का। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको पहले बाकी सोशल प्लेटफॉर्म पे एक एक जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करना है, वहाँ पे आपको अलग अलग ऑडियंस बनाते जाना है सेम पेज से रिलेटेड कंटेंट पे। जैसे मान लो आप फूड कैटेगरी के वीडियो बनाते हो, खाना के ऊपर बनाते हो, कुकिंग के ऊपर बनाते हो, तो आपको बाकी प्लेटफॉर्म पे जैसे कि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, उन सारे जो प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे भी आपको एक ऑडियंस बनाना पड़ेगा जो कि फूड से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करता है। और उसके बाद फेसबुक का जो आप कंटेंट डालते हो आपके फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पेज पे, उसी कंटेंट का जो लिंक है वो आप दूसरे प्लेटफॉर्म के जाके वहाँ पे शेयर कर सकते हो लिंक। तो यहाँ पे एक बात समझना, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ फेसबुक का जो कंटेंट है, फेसबुक पेज का जो कंटेंट है वो आप फेसबुक एनवायरमेंट पे शेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बाकी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकते हो। जैसे मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म का वीडियो बनाता हूँ और वो वीडियोज़ को मैं लिंक्डइन में, ट्विटर पे भी शेयर करता हूँ, जहाँ से वहाँ का जो ऑडियंस है वो आता है मेरे YouTube चैनल पे। तो वैसे ही आपको क्या करना है, Facebook पेज का कंटेंट Facebook प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करना है, Facebook ग्रुप पे शेयर नहीं करना है, Facebook पेज पे नहीं शेयर करना है, Facebook प्रोफाइल पे शेयर नहीं करना है, Facebook इनबॉक्स पे नहीं शेयर करना है, मगर वही लिंक को आप लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके शेयर कर सकते हो, जैसे कि लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, क्वेरा, ब्लॉग, इन सभी चीज़ों पे जाके शेयर कर सकते हो। तो ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए 2020 में, अगर आपको एक जेन्युइन क्रिएटर बनना है और क्रिएटर बनके फेसबुक से पैसा कमाना है। क्योंकि फेसबुक पे अगर फेसबुक का कंटेंट शेयर किए तो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट 100% आएगा, क्योंकि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है उसको ऐसे उन लोगों ने ट्रीट करके रखा है, टीच करके रखा है कि वो अगर आपके प्रोफाइल से या फिर आपके पेज से कोई भी चीज़ आप खुद शेयर करोगे तो वो हो जाएगा इनऑथेंटिक एंगेजमेंट, मतलब कि रोबोटिक एक्टिविटी, जिसको आर्टिफिशियल एक्टिविटी भी कहा जाता है। तो ऐसा काम करना नहीं है, क्योंकि पेज रेड हो सकता है, येलो कलर भी आ सकता है जो एट रिक्स होता है, वो आने पे आपका मोनेटाइजेशन जो है वो चला जाएगा, और जो पेज मोनेटाइज नहीं हुआ है वो भी आने वाले टाइम पे मोनेटाइज नहीं होगा। तो आज से शेयर बंद। और उसका जो ऑल्टरनेटिव है ऑर्गेनिकली ग्रो करने का और ऑर्गेनिकली पेज पे व्यू और लाइक और फॉलोअर लाने का, ये भी मैं साथ ही साथ आपको बता रहा हूँ, मगर वो तभी आपका हेल्पफुल होगा जब आप ये सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आपके पास दूसरे प्लेटफॉर्म पे अकाउंट नहीं है तो बनाओ, वहाँ पे भी फॉलोअर गेन करो, और फिर आपका जो फेसबुक प्लेटफॉर्म का लिंक है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके शेयर करो। डेफिनेटली आपको ऑडियंस मिलेगा, मुझे खुद मिल रहा है। अगर आप मेरे अकाउंट को खोल के देखोगे तो इंस्टाग्राम पे मेरा फॉलोअर सिर्फ एक है, मैं सिर्फ एक ही जो मतलब इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको फॉलो करता हूँ, जो कि इट्सेल्फ इंस्टाग्राम क्रिएटर है। बाकी मेरा फॉलोअर ऑटोमेटिकली गेन हो रहा है, आप लोग ऑटोमेटिकली यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आ रहे हो मेरे इंस्टाग्राम पे। तो ऐसे आप लोगों को भी आपका एक फॉलोअर बेस बनाना है बाकी प्लेटफॉर्म में, जो आने वाले टाइम पे लॉन्ग रन पे आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो आशा करता हूँ ये सेकंड पॉइंट आप समझ गए होंगे, अगर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हो और या फिर सक्सेसफुल होना चाहते हो। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है पोस्ट व्हेन योर ऑडियंस एक्टिव। ये बहुत ही पुराना बात है, मगर यहाँ पे नया क्या है, नया है दोस्तों, पोस्ट आपको तभी करना है फेसबुक पेज पे जब आपका ऑडियंस, आपका फॉलोअर सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है पेज पे। ये बहुत सारे जनों ने पहले भी बताया है, मगर यहाँ पे नया क्या है, नया है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, जो कि पहले नहीं था। अब फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो पे आप लोग जा सकते हो, वहाँ पे आप आपके वीडियो का परफॉर्मेंस, डेमोग्राफिक, इन्फोग्राफिक, एज, जेंडर, टाइमिंग, सारे चीज़ों को बारीकी से देख सकते हो, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिलेगा
कहाँ से हमारा ऑडियंस आता है, कौन सा टाइम पे आता है और कौन सा एज का ऑडियंस है, तो उसको समझ के आपको आपके पोस्ट को पब्लिश करना है आपके पेज पे। मान लो सैटरडे संडे अर्ली मॉर्निंग अगर आप डालोगे तो कोई लोग नहीं देखेगा, क्योंकि सैटरडे लेट उठता है लोग, क्योंकि हमारे पेज पे मैक्सिमम जो ऑडियंस होता है अगर जेनरिक बात करो तो 20 से लेके जो 34 का एज का लोग होता है वो ज़्यादा होता है। मगर ये डिपेंड करता है आपका कंटेंट किस प्रकार का है इसके ऊपर भी, तो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। मगर आपको ध्यान रखना है आपका ऑडियंस कौन सा टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर आपका ऑडियंस सबसे ज़्यादा इवनिंग टाइम पे एक्टिव होता है तो आपको पोस्ट इवनिंग टाइम को करना है। अगर आपको लगता है ऑफिस जाने से पहले का जो टाइम होता है 7:45 से लेके 8:30 तक, उस टाइम पे ज़्यादा लोग फेसबुक को एक बार ओपन करके देखता है, तो आपको उसी टाइम पे पोस्ट करना है। ये डिपेंड करेगा पूरा और पूरा आपके क्रिएटर स्टूडियो को जो डाटा है उसके ऊपर, तो वो आपको एनालिसिस करना है, उसी के ऊपर डिपेंड करके आपको पोस्ट करना है, ताकि आपके पोस्ट पे इनिशियल टाइम पे फर्स्ट आवर पे जब भी आप पोस्ट करते हो सबसे ज़्यादा ऑडियंस एंगेज हो। क्योंकि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है उसका सबसे पसंदीदा जो सोर्स है आपके वीडियो ऑडियो पोस्ट को वायरल करने का या लोगों तक लेके जाने का, ज़्यादा से ज़्यादा आईबॉल देने का, वो होता है एंगेजमेंट। और एंगेजमेंट कहाँ से मिलेगा, जो कम टाइम पे पब्लिश करने में ज़्यादा लोग देखेगा। तो ये आपको समझना है, इसके ऊपर आपको काम करना है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए हैं मैं जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तीसरा पॉइंट है जो आपको ऑर्गेनिकली ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट है पोस्ट रेगुलरली। ये बहुत सारे लोगों ने बहुत प्लेटफॉर्म पे बताया है, मगर लोग मैक्सिमम मैंने जो देखा है वो एक टाइम पे 3-4 पोस्ट कर देता है, फिर 5 दिन कोई डालता ही नहीं कुछ, फिर 2 दिन में आके और 10-15 डाल देता है, मगर कंसिस्टेंसी नहीं है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया, वहाँ पे कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, आपको याद रखना है। अगर आप डेली पोस्ट डालते हो तो डेली एक ही टाइम पे आप एक एक पोस्ट डाला करो। अगर 2 दिन में एक बार डालते हो तो 2 दिन में रेगुलर डाला करो, वो कुछ भी हो जाए मिस नहीं होना चाहिए। अगर वीकली डालते हो तो वीकली डाला करो, मगर रेगुलर रहना आपके लिए एज ए क्रिएटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इससे आपके फॉलोअर्स को और उसी के साथ साथ फेसबुक एल्गोरिदम को एक पॉजिटिव सिग्नल पास होता है कि ये जो पेज है ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, टाइमली है, और ऑडियंस भी वेट करता रहता है। जैसे टीवी पे सीरियल आता है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम छोटे थे तब हम शक्तिमान देखते थे और हर संडे को शक्तिमान आता था, हमको मालूम था, हम वेट करते थे कब 9 बजे और हम शक्तिमान को जाके देखें। वैसे ही आपका जो ऑडियंस है वो भी वेट करेगा अगर आप रेगुलर और कंसिस्टेंटली एक टाइम पे डालोगे, क्योंकि उन लोगों को पता चल जाएगा, आपके ऑडियंस को पता चल जाएगा आप कौन सा टाइम पे वीडियो या पोस्ट आपके फेसबुक पेज पे करने वाले हो, तो तुरंत एंगेजमेंट मिलेगा। और एंगेजमेंट फेसबुक एल्गोरिदम का मन पसंदीदा चीज़ है, जिससे आपके पोस्ट को रीच ज़्यादा मिलेगा, आईबॉल ज़्यादा मिलेगा, और आपका जो पोस्ट है उस पर लाइक ज़्यादा आएगा, एंगेजमेंट ज़्यादा आएगा, जिससे आपका पेज का ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा, वो भी बिना शेयर किए। शेयर करने की उतना ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा अगर ये 5 जो मैं चीज़ बता रहा हूँ इसको आप फॉलो करोगे। और लास्ट जो 5th पॉइंट है वो है थंबनेल। हाँ दोस्तों, फेसबुक पे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को वीडियो तो पोस्ट करते जा रहे हैं मगर थंबनेल नहीं डाल रहे। आपको पता है यूट्यूब पे जैसे थंबनेल डाला जाता है, जैसे कि ये वीडियो शायद कोई भी बंधु या दोस्त आए हो थंबनेल को देख के, तो वैसे ही थंबनेल फेसबुक पे भी होता है और लोगों के आईबॉल को कैच करता है। अगर आप लोग जेन्युइन थंबनेल बनाओगे टॉपिक से रिलेटेड, थोड़ा बहुत एट्रैक्टिव, तो आपके जो भी वीडियो कंटेंट होगा उस पर क्लिक होना लाजमी है, उस पर क्लिक होना मतलब मजबूर हो जाएंगे लोग आपके वीडियो पे क्लिक करने के लिए। ये एक बहुत वाइटल चीज़ है जो काफ़ी लोग मिस कर रहे हो फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप कस्टम थंबनेल नहीं बनाते हो फेसबुक के लिए तो आज से ये बनाना शुरू करो। आप बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर मुझे तो थंबनेल बनाना नहीं आता है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, और मुझे पता नहीं सॉफ्टवेयर पे कैसे थंबनेल को एडिट किया जाता है। तो ये सारे चीज़ों
का ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताऊँगा, सिंपली एक मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास है तो आप बेझिझक अच्छे से अच्छा थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हो आपके वीडियो के लिए, जिसको देख के लोग मजबूर हो जाएंगे आपके वीडियो पे क्लिक करने का। और क्लिक थ्रू रेट जैसे जैसे आपके वीडियो पे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा होगा, फेसबुक का रीच ज़्यादा हो जाएगा, शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फेसबुक का एल्गोरिदम आपके वीडियो को लोगों के प्रोफाइल पे, जो प्रोफाइल फीड होता है न्यूज़ फीड, उस पे लेके जाएगा। तो उसके लिए अगर आपको नहीं आता है थंबनेल बनाना, तो एक पिक्सेल लैब करके एक एंड्रॉयड ऐप से, जिस पे आप लोग घर बैठे अट्रैक्टिव क्या बेस्ट HD थंबनेल बना सकते हो। उसको कैसे बनाया जाता है, अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाता है, मैं कैसे मेरे यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल बनाता हूँ, ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ, आप चैनल पे जाके देखो। वैसे ही वीडियो आप देख के सीख के आप आपके फेसबुक के लिए भी बना सकते हो। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम है, यूट्यूब का थंबनेल और फेसबुक वीडियो का थंबनेल सेम टू सेम है। उसको सीख जाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो। हर एक वीडियो को अपलोड करने से पहले थंबनेल डाला करो, जिससे आप लोगों के आईबॉल पे आ जाओ। कैची होना चाहिए थोड़ा बहुत थंबनेल, और वो सब कैसे किया जाता है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप जाके सिर्फ टाइम स्पेंड कीजिए, जितना वैल्यू आप आपके नॉलेज को इंक्रीज करने में देंगे, उतना वैल्यू आपको आपके प्लेटफॉर्म से मिलेगा, आपके ऑडियंस से मिलेगा। ये बात याद रखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगता है, पूरा वीडियो नहीं देखता है तो नॉलेज भी आधा अधूरा लेके जाता है, उसके बाद मिस्टेक करता है और फिर मिस्टेक को रिपीट करता है। और सबको आसानी से चीज़ों का सल्यूशन चाहिए, मेहनत कोई करना नहीं चाहता। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, स्पेशली मैं देख रहा हूँ टीनेजर या फिर यंग स्टार पे। आप लोगों को मेहनत करना है, अगर आप पर्टिकुलर कोई भी एरिया पे कुछ भी अचीव करना है तो मेहनत जारी रखना है, और मेहनत समझ के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना समझे मेहनत करोगे, बिना समझे मेहनत करोगे तो भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ आज का ये जो 5 टिप्स मैंने बताया है, अगर आप लोग कंसिस्टेंटली 2020 में फॉलो करोगे आने वाले, तो आपका जो फेसबुक पेज है वो मोनेटाइज भी रहेगा, ग्रीन भी रहेगा, उस पर एट्रिक्स नहीं आएगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं आएगा, और आपका पेज का जो इशू है कि शेयर नहीं करूंगा तो मेरे जो वीडियो है या फिर पेज है उस पर रीच ज्यादा नहीं होगा, उसका ग्रोथ नहीं होगा। यह सोल्यूशन कम से कम आज के इस वीडियो से आप लोगों को मिल गया है। आप लोग इस 5 टॉपिक के ऊपर काम करो, रेगुलर और कंसिस्टेंटली काम करो, आने वाले टाइम पे जरूर आपका पेज जो है ग्रो होगा, और उसी के साथ ग्रीन भी रहेगा, और आप लोग ढेर सारे पैसा भी इस प्लेटफॉर्म से कमा पाओगे। आशा करता हूं आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।